तो हेलो गाइस, राजकुमार राव ने किया है बड़ा धमाका। स्त्री 2 के सक्सेस के बाद से राजकुमार राव ने बढ़ाई है 5 करोड़ रुपए फीस और ठुकराए हैं कई ऑफर्स। राजकुमार राव इंडस्ट्री के बड़े एक्टर हैं और उन्होंने इस बात को साबित भी किया है। फैंस के इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे लोग हैं जो राजकुमार राव की एक्टिंग को प्रभावित नजर आते हैं। अब एक्टर ने स्त्री 2 की सक्सेस के बाद अपनी फीस बढ़ाने का फैसला लिया है। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव के लिए साल 2024 शानदार जा रहा है। कहा जाता है कि राजकुमार राव की कोई खराब फिल्म हो सकती है, लेकिन राजकुमार राव की एक्टिंग कभी खराब नहीं हो सकती। साल के शुरुआत में श्रीकांत फिल्म में अपने शानदार अभिनय से उन्होंने इस बात को साबित भी कर दिखाया है। कई लोगों को इस बात का भ्रम था कि राजकुमार राव शानदार एक्टर तो है, लेकिन वो इसके बाद भी फिल्म को बढ़िया कमाई नहीं करवा पाते। लेकिन स्त्री 2 से लोगों का यह भ्रम भी दूर हो चुका है। साथ ही रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर ने प्रति फिल्म अपनी फीस को भी अब बढ़ा दिया है। करीबी सूत्रों से ऐसा सुनने में आया है कि बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव लगातार फिल्म में ठुकरा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने फीस की वजह से विकास बहल की फिल्म दरवाजा से तौबा कर लिया। इसके बाद से ये रोल सिद्धार्थ चतुर्वेदी की झोली में आ चुका है। वे अब लीड एक्टर के रोल पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एक्टर ऐसा किस लिए कर रहे हैं, उन्हें लेकर भी डिटेल्स आ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि स्त्री 2 की सफलता के बाद उन्होंने अपनी फीस 5 करोड़ रुपए बढ़ाने का फैसला लिया है। एक्टर ने इंटरव्यू में कहा है कि वो अपने लीड रोल की तरफ अपना फोकस को शिफ्ट करना चाहते हैं। वे कई सारे सपोर्टिव रोल्स कर चुके हैं। एक्टर ने आगे कहा, मैं ये मानता हूँ कि मेरे काम का विस्तार हो चुका है। काई पोचे फिल्म से इसकी शुरुआत हुई थी, फिर क्यून फिल्म मिली, इसके आसपास इस सही फिल्म के लिए उनको अवार्ड मिला। लेकिन अब मैं बहुत ध्यान से इसकी बात पर अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे फिल्मों में छोटे रोल्स ऑफर ना हो। अब मैं पूरी तरह से लीड रोल करना चाहता हूँ, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई मुझे सत्या फिल्म में भीको मल्होत्रा का रोल प्ले करने को कहेगा तो ऐसे में मैं उसे जरूर करना चाहूंगा। वहीं गाइस बात कर लेते हैं स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। स्त्री 2 फिल्म की बात करें तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तहलका मचा दिया था। फिल्म ने रिलीज के पहले वीकेंड में 194 करोड़ का कलेक्शन किया था। भारत में श्रद्धा कपूर राजकुमार राव की फिल्म की कमाई 555 करोड़ रुपए रही थी। वहीं दूसरी तरफ इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो 790 करोड़ रुपए रहा था। तो ये थी गाइस आज की लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।